मैं बिल्कुल दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जब से गुप्ता जी ने अवार्ड देना शुरू किया भोजपुरी फिल्में और भी जोश से बनती है कि हो सकता है कि हमें अगले साल अवार्ड मिले। हर एक्टर डायरेक्टर हमारी हीरोइन इनकी कोशिश होती है कि हम अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा काम करें, अच्छी कहानी लिखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जो आज मेरे ख्याल से 7 साल हो गए इस अवार्ड फंक्शन को, और हम लोग जो है हमेशा बीइंग ए एक्टर, हम तो ज़्यादा भोजपुरी में काम नहीं करते, हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ये फंक्शन अटेंड करूँ। अभी भी मैं कहीं बाहर से ही आ रहा हूँ, और ख़ास तौर से गुप्ता जी के बुलावे पर और ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। बॉलीवुड के बड़े सफल एक्टर हैं और आप यहाँ पर आके प्रोत्साहन करते हैं तमाम छोटे बड़े कलाकारों को, क्या आपको इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड कराने के लिए आप यहाँ पहुँचते हैं? देखिए, एक कलाकार जो होता है, चाहे वो भोजपुरी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, वो एक कलाकार होता है। उसकी कोशिश कैसी होती है कि अपने जो को एक्टर हैं जिस लैंग्वेज में भी हो उनको सपोर्ट कीजिए, चूँकि हम लोग सिनेमा प्रेमी हैं और हम चाहते हैं कि चाहे भोजपुरी, तो वैसे भी मैं बिहार से, मेरी ज़बान है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा भोजपुरी फिल्मों में भी काम करूं, अच्छा रोल मिले तो। जैसे कि अभी कुछ फिल्में, 4-5 फिल्में मैं एज ए मेन विलन कर रहा हूं और पहले भी किया था, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा गया था तो मज़ा नहीं आया, थोड़ी सी दूरियाँ हो गई थी, फिर से जुड़ा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे भी अच्छा काम करूं और मुझे भी अवार्ड मिले भोजपुरी में। थैंक यू सर।